जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्ट्रीट 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के टेस्ट नंबर 37 का जो टेस्ट लिया गया था उसका हम जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेस्ट सीरीज का जो है टॉपिक था मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, और इस टेस्ट सीरीज में जो है टोटल जो है 20 क्वेश्चन था, यानी 20 क्वेश्चन था, और जिसमें जो है शिवम जी ने 14 क्वेश्चन जो है सही किए हुए हैं। तो आप भी अगर वीडियो को देख रहे हैं और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप जल्दी से जो है कमेंट करिए। तो ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बोल रहा है शरीर का तापमान जो किसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। देखिए, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मस्तिष्क जो होते हैं उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के? जो है तीन भाग होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, जिसे जो अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये जो तीन जो मस्तिष्क के भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसमें जो अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें तो अग्र मस्तिष्क के भी जो तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के? तीन भाग होते हैं। इनमें जो सबसे जो ज्यादा परसेंटेज जिसका होता है वो होता है सेरिब्रम। कितना परसेंटेज भाग अकेले कवर करता है? तो वो जो है 67% जो है भाग जो है वो जो है मस्तिष्क का जो है अकेले जो है कवर करता है। अगर इसकी बात करें कि सेरिब्रम जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है प्रमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इसे जो है प्रमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो यह जो मस्तिष्क का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अगर आपको क्वेश्चन उठा के पूछ दे कि सबसे मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है सेरिब्रम। और अगर बात करें कि जिसका सेरिब्रम तेज होगा उसमें जो जिज्ञासा ज्यादा रहेगी और उसका माइंड जो है बहुत ही तेज होगा। अगर जिसका जो है सेरिब्रम कमजोर होगा तो उसमें जो कंफ्यूजन जो है क्रिएट होगा। अब आइए बात कर लेते हैं अब अगर मस्तिष्क के दूसरा भाग। पहला भाग तो बता दिया सेरिब्रम, जो कि जो है टोटल मस्तिष्क के जो है 67% जो अकेले कवर करता है। अब देखिए थैलेमस, तो देखिए थैलेमस में क्या होता है, तो यह जो है सर्दी गर्मी और दर्द की जो है अनुभूति कराता है। क्या? तो ठंड का और गर्म का और जो है दर्द का। अगर वहीं पर क्वेश्चन आपको बना के पूछ दे कि जो है किसके कारण जो दर्द का अनुभव नहीं होता है, तो देखिए थैलेमस अगर नहीं रहेगा एक्टिव ना, तो जो है आपको जो दर्द नहीं होगा। आप देखे होंगे कि अगर आप शराबी आदमी को कितना भी पीटिएगा उसे जो है दर्द नहीं लगेगा। जब उसका जो है जब काम करना स्टार्ट करता है जब थैलेमस, तब उसे जो दर्द की जो है अनुभूति होती है। अगर उस केस में अगर आप जो उसे काट भी देंगे ना, तो उसको जो है कोई दर्द नहीं होगा। अगर आपको सुई भी उसको अगर डाल देते हैं तो भी जो उसे जो कोई दर्द की जो है अनुभूति नहीं होगा। तो देखिए थैलेमस का जो है ये जो है गुण है। अब देखिए आप बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस, और यहीं से जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हाइपोथैलेमस में क्या होता है, देखिए इसमें जो भूख, प्यास, घृणा, प्यार, पसीना, गुस्सा, खुशी, रक्त दाब और ताप का जो है नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप का जो है नियंत्रित करता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया कि था कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, तो आप ही बताइए अब इसका आंसर क्या दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या देना है आपको, तो इसका आंसर देना है हाइपोथैलेमस, आंसर नंबर बी। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कशेरुकु रज्जु में। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया वैसे क्रिया को कहा जाता है जिसको जो है खुद को जो है कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कि वह जो है अनैच्छिक क्रिया होता है। और इसमें जो है उद्दीपन जो है ग्रहण करने की जो है क्षमता होता है। क्या होता है? उद्दीपन ग्रहण करने की। आप बोलेंगे कि भाई उद्दीपन क्या है, जैसे आप जा रहे हैं और अचानक जो है आपको जो सांप नजर आ जाता है, आप क्या करते हैं? चौंक जाते हैं। तो वहां पर क्या काम करता है? वहां पर जो उद्दीपन ही काम करता है। और यह कहां होता है? तो यह जो कशेरुकु रज्जु में होता है, या कहे तो उसे जो है मेरु रज्जु भी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा कशेरुकु रज्जु। अगर तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मस्तिष्क। देखिए यह जो है ईई जो है यह जो एक चिकित्सीय उपकरण है। क्या है? तो यह जो चिकित्सीय उपकरण है। और यह क्या करता है? तो यह जो मस्तिष्क में विद्युत संवेगों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अगर इसकी जो प्रयोग की बात करें तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए इसका प्रयोग जो है मिर्गी के पहचान में जो इसका जो प्रयोग किया जाता है। किसकी? तो मिर्गी के पहचान में। अब देखिए चार नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? बोल रहा है कि कौन जो है उल्टी का जो है नियमन केंद्र है। उल्टी का मतलब क्या हुआ, आप ये बताइए कि उसमें जो है ऐच्छिक क्रिया जो है नहीं होता है, अनैच्छिक होता है, मतलब वो जो है अचानक हो जाता है, खुद के जो कंट्रोल में नहीं रहता है वो। और यह कहां होता है? तो यह जो मेड्यूला में होता है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए हम इस पर कुछ नजर डालते हैं। देखिए मस्तिष्क के बारे में हम क्या बताए थे कि मस्तिष्क के जो है तीन भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसी पश्चिम मस्तिष्क के भी जो है दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है अनुमस्तिष्क जिसे जो सेरिबेलम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेरिबेलम, और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। और मस्तिष्क स्टेम की भी जो है दो भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं, तो पाउस वेरेलाई और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। क्या होता है, ऑब्लॉन्गेटा। तो यही जो है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है और इसी के अंतर्गत देखिए क्या होता है, तो देखिए इसके जो है पिछला भाग जो होता है क्या होता है, मेदुरज्जी होता है जिसे जो स्पाइनल कोड इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखिए इसका गुण क्या है, तो यह जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या, अनैच्छिक क्रिया को, जो स्वतः हो जाता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या, जो कि जो स्वतः हो जाता है, जैसे खांसना हो गया, क्या हुआ, अनैच्छिक हो गया। छींकना हो गया, क्या हो गया, अनैच्छिक हो गया। पाचक रस यानी कि एंजाइम जो होता है, यानी कि पित्त जो होता है, उसका स्राव होना, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है आपके मुंह से जो है निकल जाता है। और वही बात देखो उल्टी, तो उल्टी भी जो है क्या होता है, यह भी जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वही क्वेश्चन यहां पर दे दिया है कि यह जो उल्टी का नियमन जो है उसका केंद्र कहां होता है, तो आप क्या दीजिएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको क्या देना है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 31 हो जाएगा यानी कि 31 होगा। देखिए मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का जो पिछला भाग था क्या था, तो मेदुरज्जू कहलाता है। और यह क्रिया कौन सी क्रिया होती है, तो अभी तुरंत हम बताया कि प्रतिवर्ती क्रिया का जो है इसमें जो क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो यही जो है इसी को जो दो भाग होते हैं, इसके भी जो है दो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अब बोलिएगा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो है 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र होता है। कितना जोड़ी, तो 12 जोड़ी, क्या, तो कपालीय तंत्रिका तंत्र, याद रखना है कपालीय तंत्रिका तंत्र कितना, 12 जोड़ी। और 31 जोड़ी कितना होता है, तो मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। और यही से क्वेश्चन पूछ दिया है कि कशेरुक रज्जु में जो कितनी जोड़ियां जो तंत्रिका तंत्र निकलती है, तो इसका आंसर क्या आपको देना है, तो 31 देना है, 31 देना है। आइए अब इसे आगे थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए यह जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और क्या बताए थे इसके अलावा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं, तो यही स्वायत्त स्वचालित तंत्रिका तंत्र जो होता है, यह जो दो चीज से बनता है, किससे बनता है, तो मस्तिष्क और मेदुरज्जु का जो है बना होता है ये स्वायत्त स्वचालित तंत्रिका तंत्र। और इसके भी जो है दो भाग हो जाते हैं, कौन कौन से, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और जो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इतने चीज आपको जो याद रखना है कि जो है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है दो भाग होते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र इसके अंतर्गत ही जो है 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र होती है, और दूसरा होता है स्वायत्त या कहते स्वचालित तंत्रिका तंत्र, और इसके जो है दो भाग होते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और यह बनता है किससे, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जो है बना होता है। आइए अब देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो हम इससे पहले भी जो है हीट में हम बताए हुए थे, उसमें हम बताए थे कि मानव का टेम्परेचर कितना होता है। देखिए वैसे जो है मानव के अगर टेम्परेचर की बात करें कैलकुलेशन के आधार पर, तो देखिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को जो आप अगर फारेनहाइट में निकालिएगा तो क्या हो जाता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हालांकि लोग जो है 36.9 सेंटीग्रेड को जो है 37 डिग्री जो है लगभग में होने के कारण जो है इसे जो है 37 डिग्री के नाम से ही जो है जाना जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर वहीं पर क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि अगर किसी का फारेनहाइट है 98.4 डिग्री तो उसका सेल्सियस कितना होगा, तो आपको यह भी याद रखना है 36.89 डिग्री सेल्सियस। क्या 89 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो 98.4 डिग्री, और 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर बात करें यह जो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान होता है उसे अगर केल्विन में बात करें कितना होता है, तो 310 केल्विन जो है, तो इसलिए आपको जो है इतना जो याद रखना है। अब देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। हम किसमें बताए थे कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, घृणा प्यार गुस्सा पसीना खुशी ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द जो महसूस नहीं करता, आप ही बताइए ऑप्शन से। अभी हम क्या पढ़ाए थे, तो देखिए ऑप्शन में त्वचा है, त्वचा और हृदय तो नहीं होगा,
नेत्र भी नहीं होगा, मस्तिष्क होगा। अगर यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन जो पूछ देता कि मस्तिष्क में कौन सा भाग, तब क्या दे देते? आपको यह भी याद रखना है, अगर पूछ देता कि मस्तिष्क में कौन सा भाग, तो आपको क्या देना था? तो थैलमस। अगर थैलमस ग्रंथि एक्टिव नहीं रहता है, तभी आप उसे सुई क्या काट भी दीजिएगा, उसे जो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या आंसर देना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मस्तिष्क। देखिए आप नवा नंबर का क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है, तो हम क्या बताए थे कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या होता है? तो 66% जो है यह भाग होता है मस्तिष्क का भाग, इसी जगह यह जो है कवर करता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग है। अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या देना है, तो सबसे बड़ा जो मस्तिष्क का भाग है। और यह किन किन चीजों का नियंत्रण करता है? तो यह जो ऐच्छिक क्रियाओं और जो स्मरण क्षमता को जो है नियंत्रित करता है। आइए अब देखते हैं दसवां नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो देखिए आप ही बताइए, अगर ठंड का मौसम रहता है तो आपका तापमान क्या हो जाता है? आपके शरीर का तापमान गिर जाता है, नहीं गिरता है। और गर्मी में अभी जैसे गर्मी है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, 100 डिग्री हो गया है, नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न ही जाड़ों में घटता है और न ही जो है गर्मियों में बढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन से देखिए, सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हाँ सही होता है। हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, हाँ ये भी होता है। और शरीर के संतुलन करने के लिए, हाँ ये भी है शरीर के संतुलन करने के लिए, क्योंकि सारा चीज तो मस्तिष्क से ही होता है, यही तो केंद्र बिंदु है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, एमनेशिया जो है किससे संबंधित है? तो देखिए एमनेशिया किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। यह जो है एक रोग होता है मस्तिष्क से, जब चोट लग जाता है मस्तिष्क पे तो यह जो है रोग होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखिए मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग जो है 2% होता है शरीर के कुल वजन का। तो आपको आंसर क्या देना है इसका? तो इसका आंसर देना है ए देना है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है? तो हम किसमें बताए थे कि भूख और प्यास लगता है और निद्रा लगता है, और यह जो है शरीर का टेम्परेचर भी नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यह जो है ललाट भाग के साथ जो संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, हो जाएगा शंख पाली से जो है यह जो है संबंधित है मानव मस्तिष्क की। इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा, या शंख पाली जो है श्रवण से जो है संबंधित होता है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? यह जो किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मितीय पाली से। किससे? तो मितीय पाली से जो है इसका जो है संबंध है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो आप ही बताइए, इसमें से यकृत से है, नहीं है, हृदय से है, नहीं है, नाड़ी से है, नहीं है, मस्तिष्क से है, हाँ मस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम, और किसका भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम जो है पुनर्योजन शक्ति होती है? तो किस में जो है सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं। अब देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम मतलब छोटा जो होता है संरचनात्मक और जो शरीर क्रियात्मक इकाई है किसका जो है? तो यह जो न्यूरॉन का होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा न्यूरॉन। जितने भी टोटल क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन सारे का जो हम डिस्कस कर दिए हैं, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेज में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।